हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही चटपटी होने वाली है, जिसका नाम है पानी के पकौड़े की चटपटी चाट। हाँ दोस्तों, ये कोई राम लड्डू की रेसिपी नहीं है, ना कोई और चाट की रेसिपी है, ये एक अलग ही सी रेसिपी है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। आइए शुरू करते हैं। एक कटोरी बेसन लेंगे पहले हम, और उस बेसन में हम नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। केवल इसमें नमक ही डालना है दोस्तों, कोई मिर्च नमक नहीं ऐड करना है। और उसे डालने के बाद उसको ठीक से हमको हिलाना है, ठीक है, या स्पून की मदद से या किसी की मदद से भी उसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट डालना है। हाँ, हींग जरूर डालना है। हींग डालने से क्या होगा, इससे आपको कोई एसिडिटी नहीं होगी या कुछ और प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत हल्के हो जाएंगे ये। फिर इसमें पानी ऐड करना है और उसको ठीक से मिलाना है, इसमें कोई गांठें ना रह जाए, ठीक से उसको अच्छे से मिला लेना है। और मिलाते मिलाते उसको अच्छे से फेंटना है और एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। और दोस्तों ध्यान रहे कि ये कि डायरेक्शन में आप घुमाओगे तो बेटर रहेगा, उससे बहुत ही फूले फूले पकौड़े बनते हैं, है ना, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और अच्छे से बहुत फूले फूले क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे आपके। देखिए जैसे मैं एक ही डायरेक्शन में हिला रही हूँ, जब भी आप बेसन का कुछ बनाएं तो इस तरीके से फेंटें, उससे आपका पकौड़ा हमेशा फूल के आएगा ऊपर को, नहीं तो वो ठोस हो जाता है अंदर से। देखिए पेस्ट इतना थिक होना चाहिए, पेस्ट बहुत पतला ना हो और एक ही डायरेक्शन में घुमा हो, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए स्क्रीन पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से उठा कर दिखा रही हूँ, इतना ही बस पतला होना चाहिए। बहुत पतला होगा तो पकौड़े आपके वो फैल जाएंगे, इसलिए पेस्ट को थोड़ा थिक रखना है। देखिए जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसके हिसाब से। फिर आपको एक कढ़ाई में तेल डाल के रखना है और उसमें पकौड़ों को डालना है, एक एक करके पकौड़ा डालना है आपको। सारे पकौड़े आप देखना फूल जाएंगे। और हाँ, पकौड़ों को अगर वो बहुत ही अंदर से पफ़ी बनेंगे तो उसकी एक पहचान ये होती है कि उसमें छोटे छोटे से होल हो जाते हैं सिकते समय। अगर वो होल नहीं दिखेंगे तो समझो कि आपका अच्छे से वो पेस्ट फेटा नहीं है आपने, फिर वो आपके थोड़े टाइट पकौड़े बन जाएंगे। लेकिन आपको ये चाहिए कि पकौड़ों में छोटे छोटे छेद बने और अच्छे से बहुत सॉफ्ट बने वो, ताकि आपके जब पानी के पकौड़े जब रेडी हों तो वो आराम से सॉफ्टली आप टूट सकें, वो टाइट ना हो। देखिए आप छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे आपको, होने लगे हैं, जैसे ही वो फूलेगा उसमें छोटे छोटे से होल हो जाएंगे, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पर। ऐसे ही करना है उसको, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, नॉर्मल हल्का सा ब्राउन करके उसको सेकना है। बहुत तेज फ्लेम नहीं रखना है पहले, तो सबसे पहले आपको हाई फ्लेम पर ही डालना है, लेकिन धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर उसको सेकना है ताकि वो अंदर से कच्चे ना रह जाएँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको चलाते जाना है उसको, और दोनों साइड से ठीक से उसको सेक लेना है। ये जो छोटे छोटे होल हो गए हैं, इससे ही आपको सॉफ्टनेस मिलेगी और बहुत ही स्पंजी पकौड़ा बनेगा ये। जैसे कि स्पंज होता है ना, अंदर जिसमें छेद छेद निकलते हैं, वैसे ही आपको तोड़ने के बाद ये दिखाई देगा। जब आप इसे प्लेट में निकालोगे तो आपको वैसा ही नज़र आएगा। यस, देखिए फ्रेंड्स अभी ये बस रेडी हो गए हैं, इसको बस निकालना रह गया है। देखिए इसको बस ठीक से ऐसे ही सेकते जाइए। अब ये ठीक से सीख चुके हैं दोस्तों, और अब इसको हमें निकालना है प्लेट में। प्लेट में डाल लीजिए इसको, सारे पकौड़ों को ठीक से, तेल उसका निकल जाए अच्छी तरीके से, आप उसको प्लेट में डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, और ध्यान रहे कि ऑयल कहीं गिर ना जाए, थोड़ा केयरफुली आप ये काम करिए। देखिए इस तरह सारे पकौड़े हमारे थोड़े से ब्राउनिश हो गए हैं और हमने इसको पूरा रेडी कर लिया है। अब देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, देखिए ये बहुत गर्म है अभी, इस तरीके से देखिए, देखिए अंदर से कितना ये स्पंजी है, अंदर से इस तरीके से आना है। हाँ सेम ऐसे ही, ऐसे ही देखिए, बहुत ही देखिए कितना दब रहा है आराम से हाथ से। इस तरीके से आपको बनाना है। सारे पकौड़े प्लेट में हमने रखे हैं, कितने सॉफ्ट हैं देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। अगर पकौड़े टाइट हो जाते हैं तो वो अच्छे से पानी में डालेंगे तो वो फूलेंगे नहीं। देखिए हमने एक बाउल में पानी लिया है, सारे पकौड़ों को हमने पानी में रख दिया है। अब इनको एटलीस्ट थोड़ी देर रखना है, 2 मिनट 3 मिनट, फिर इनको पानी को छान के
और हाथ से इसका पानी दबा दबा के निकाल देना है इस तरीके से, देखिए। हाँ, उसको निकाल के आप प्लेट में रख लीजिए। सारा पानी हमने निकाल दिया है और पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं पानी में पड़ने के साथ साथ, क्योंकि पानी के पकौड़े हैं दोस्तों, तो ये ठंडे होकर ही खाएंगे। आपने गरम गरम पकौड़े बहुत बार खाए होंगे, लेकिन ये एक ठंडे पकौड़े हैं जो पानी में डालकर ही बनाए जाते हैं। अब हमें बनाना है खजूर की चटनी। खजूर को दोस्तों डेट्स भी बोलते हैं, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसका बीज अंदर से निकालना है, देखिए कितने सॉफ्ट है ये। इसको, इसके सारे बीजों को हमें निकाल के बाहर फेंक देना है, और इसके जितने भी खजूर हैं करीब 10 से 12 खजूर आपको लेने हैं चटनी बनाने के लिए। इसकी चटनी इतनी टेस्टी होती है कि आपको मिर्च नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, क्योंकि खुद ही चटपटी चटनी होती है। एक जार लीजिए मिक्सी का, उसमें आप सारे डेट्स यानी कि जितने खजूर हैं वो डाल दीजिए। खजूर के साथ साथ हमको इमली का पल्प डालना है, यानी कि इमली का पेस्ट, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच ऐड कर सकते हैं 12-13 खजूर में, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना खट्टापन ज़्यादा आ जाएगा। एक हरी मिर्च डालनी है, बाकी आपका टेस्ट है, जार डालेंगे तो कोई बात नहीं। थोड़ी मिर्ची पाउडर, अपने हिसाब से मिर्ची बड़ा घटा सकते हैं आप। जीरा डालना है 1/2 टीस्पून, जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चटनी के अंदर। इसके बाद आपको अनार के दाने डालने हैं, तकरीबन 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, अगर 1 चम्मच है तो 1 चम्मच, 2 चम्मच भी डाल सकते हो। नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और इस चटनी के साथ उस पकौड़ों का मज़ा ही कुछ और है। आप खाकर देखिएगा दोस्तों, बहुत टेस्टी लगती है ये। और इसको आप अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए, उसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं उसमें, वरना बहुत गाढ़ा हो जाएगा और कुछ ऐसी चटनी बनकर आएगी। देखिए ये चटनी इतनी टेस्टी होती है कि इसके बिना ये पानी के पकौड़े बिल्कुल अधूरे हो जाएंगे। इस चटनी से ही टेस्ट आता है दोस्तों इसमें। हाँ, अब आप कटोरी में एक दही लीजिए, अच्छे से उसको अच्छे से फेंट लीजिए, उसमें कोई गांठ ना रह जाए, बिल्कुल ठीक से फाइन तरीके से आप उसको फेंट लीजिए। जैसे देखिए मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आप एक बड़े बाउल में या छोटे में जैसे आप चाहें एक दही को इस तरीके से, हाँ बिल्कुल ठीक से थिक पेस्ट बना लीजिए दही का। और जो हमने भीगे हुए पकौड़े जो प्लेट में डाले थे, उन पकौड़ों को हमें दही के अंदर डालना है, और तकरीबन 5 से 6 मिनट छोड़ देना है। सब पकौड़ों को एक एक बार करके डाल दीजिए अंदर से, और 5 मिनट छोड़ दीजिए उसको, ताकि वो अच्छे से डिप हो जाएं दही के अंदर, देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आपको प्लेट में सर्व कैसे करना है, पकौड़ों को पहले आपको एक प्लेट में डालना है। आप चाट, जो चाट के ठेलों पर दोने मिलते हैं ना, उसमें भी आप सर्व कर सकते हो, नहीं तो घर की प्लेटें जो होती हैं किसी में भी आप सर्व कर सकते हो। सारे पकौड़े एक एक करके आप प्लेट में रख लीजिए, देखिए इस तरीके से, जितने भी आपको एक बार में सर्व करने हैं, 5-6 या जितने भी आपको चाहिए प्लेट में लगा दीजिए स्पून की सहायता से, बिल्कुल इस तरीके से डालिए। थोड़ा दही भी साथ साथ आ जाएगा, ऊपर से आपको वो खजूर की चटनी जो है ना, वो उसकी एक लेयर डालनी है, देखिए इस तरीके से डालनी है, बिल्कुल ऐसे। चटनी बहुत पतली ना हो, अगर पतली चटनी होगी दोस्तों तो वो बिल्कुल बह जाएगी। कटी हुई चॉप करी हुई ऑनियन डाली है मैंने इसमें, प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट के डालने हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्कुल भी ना हो, देखिए इस तरीके से डालने हैं। फिर मैंने इसमें चाट मसाला डाला, चाट मसाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये भुजिया सेब है, जो हल्दीराम की भुजिया सेब खाते ना दोस्तों, ये वो है। आप 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। फिर करी पत्ता या धनिया की पत्ती जो भी आपके पास है अवेलेबल वो आप डाल दीजिए ऊपर से। फिर आपको अनार के दाने डालने हैं तकरीबन 2 स्पून भर के, देखिए इस तरीके से डालने हैं। ये सबसे बहुत खूबसूरत लगती है इसको डालने से, एक कलर आता है इसमें, कलरफुल चाट बन जाती है आपकी। ये पानी के पकौड़े इस अनार के दानों से बहुत टेस्टी हो जाते हैं। नमक टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए, थोड़ा सा भी ज़्यादा, ऊपर से 1 चम्मच दही से आप डेकोरेट और कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, अब ये बन गई आपकी एक पानी के पकौड़ों की खास चटपटी चाट। ये आप किसी भी ओकेज़न पर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, किसी भी फंक्शन में बनाएं, सबको बहुत पसंद आती है। लेकिन इसका जो मेन टेस्ट है वो खजूर की चटनी के साथ ही आता है। आप गुड़ की चटनी बिल्कुल ना बनाएं। इस चटनी के साथ जब आप बनाएंगे ना, जिसको भी आप सर्व करेंगे तो एक बार तो ज़रूर पूछेगा कि कौन सी चटनी डाली है इसमें आपने।
यस, एक बार आप ट्राई कीजिए और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये टेस्टी लगी या नहीं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जिसने भी ये चाट खाई है सबको बहुत पसंद आई है, और इसके पकौड़े इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप जैसे ही तोड़ेंगे आराम से आपके मुँह में घुल से जाएंगे। बिल्कुल देख सकते हैं आप, लुक कितना सुंदर लग रहा है इसका, कलरफुल लग रहा है। देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए बहुत ही कितना आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसको जब भी आप कहीं भी किसी को भी सर्व करेंगे ना, वो आपकी तारीफ़ के बिना रह नहीं सकता। और चटनी इतनी कंप्लीट है कि उसमें ज़्यादा मिर्च नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दो। फ्रेंड्स, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जब भी आप इसे बनाओगे तो ज़रूर बार बार बनाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।